सीआईए ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल जो स्नैच गैंग था उसको गिरफ्तार किया। 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग था, ये गली मोहल्ले से लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, उसके बाद मुख्तलिफ गाँव में जाकर ये मोटरसाइकिलें सस्ते दामों सेल कर देते थे। कितनी मोटरसाइकिल चोरी कर चुकी है? 5-6 की। गली मोहल्ले में बाइक खड़ी होती थी ना, लाख खोल गए लाख खोल के लेके जाता था। चाबियाँ बनवाई थी? जी, मास्टर चाबी थी। जहाँ कोई मौका अच्छा लगा वहाँ पे चोरी कर ली। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम अलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ कुमी शहज़ाद और आप देख रहे हैं न्यूज़। सीआईए गाज़ियाबाद में मैं मौजूद हूं, जहां पर सीआईए ने कार्रवाई करते हुए मोटरसाइकिल जो स्नैच गैंग था उसको गिरफ्तार किया। अब ये देख सकते हैं मेरे सब पीछे जो मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, ये इस गैंग से बरामद हुई हैं। 5 से 6 अफराद पर मुश्तमिल ये गैंग था, ये गली मोहल्ले से लोगों की मोटरसाइकिलें चोरी करते थे, उसके बाद मुख्तलिफ गाँव में जाकर ये मोटरसाइकिलें सस्ते दामों सेल कर देते थे। ये छोटी छोटी उम्र के ये बच्ची हैं जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए हैं। तो आइए से गुफ्तगू करते हैं कि ये किस तरह मोटरसाइकिलें चोरी करते थे और उसके बाद लोगों को शूट भी करते थे। इनके पास डुप्लीकेट चाबी होती थी, डुप्लीकेट चाबी इन्होंने कहां से बनवाई और किस तरह ये क्रिमिनल्स गैंग का हिस्सा बने, तो आइए इनसे गुफ्तगू करते हैं। कितनी वारदातें कर चुके हैं अभी? वारदात नहीं किया, हमने तो मोटरसाइकिल लिया था चोरी के सर, चोरी का मोटरसाइकिल लिया था सर। मोटरसाइकिल चोरी का लिया था? हां जी। चोरी के मोटरसाइकिल में पकड़े गए? जी जी। किन से लिया था? रिजवान से जी। रिजवान कौन है? रिजवान कौन है आप? अच्छा रिजवान, आप मोटरसाइकिलें कहाँ से चोरी करते हैं? गली मोहल्ले से। कितनी मोटरसाइकिल चोरी कर चुकी है? 5-6 की। 5-6 की है। पढ़े हो आप? जी नहीं। इससे पहले क्या काम करते थे? कपड़े का काम करता। किस जगह पे? आजम मार्केट। आप ये चोर वाले सिलसिले में क्यों पढ़े? मजबूरी थी घर के, हालात खराब थे इसलिए। तो मेहनत करते हैं, आपको किसने कहा? आपका सरगना कौन है, उस्ताद कौन है? इस काम में कोई भी उस्ताद नहीं है, भाई यारी दोस्ती ने खराब किया। कौन यार दोस्त? उन्होंने कहा चोरी करे? वो करते थे ना, कुछ जेल में है कुछ बाग। अच्छा कितने अफराद को शूट किया? शूट कभी नहीं किया। असवी साहब बता रहे थे आप वारदात के बाद शूट भी करते थे? नहीं, मैंने शूट कभी नहीं किया, मुझे भी थोड़ी देरी हुई है, मैं इस काम में आया हूँ, कितनी देर नहीं हुई। किस तरह प्लानिंग करते थे वारदात? किस टाइम लौटते थे, किस जगह पे लौटते थे? मैंने इस तरीके से गली मोहल्ले में बाइक खड़ी होती थी ना, लाख खोल गए लाख खोल के लेके जाता था। चाबियाँ बनवाई थी? जी, मास्टर चाबी थी। कहाँ से बनवाई? वो दोस्त आए थे उनके पास, मुझे नहीं पता कहाँ से बनवाई थी। मोटरसाइकिल चोरी करने के बाद कहाँ ले जाते थे? बेचने ले जाता था। कहाँ पे? इधर शेखपुरा होटल बेचते थे? जी। पूरी मोटरसाइकिल बेचते थे कि स्पेयर पार्ट? पूरी मोटरसाइकिल। पूरी मोटरसाइकिल कितने की सेल करते थे? यही 15-20 हज़ार की। 15-20 हज़ार रुपए की। ये जो पकड़ा गया साथ बंदा, इसको मोटरसाइकिल सेल की? जी। कितने की सेल की थी? इनको 20 हज़ार की सेल की थी। और ये जो जितने साथ ये खड़े हैं, ये भी आपके गैंग का हिस्सा है? जी जी। अच्छा आप क्यों आए इस काम में? सर बस हालात की वजह से। हालात क्या थे? घर के हालात कुछ ऐसे थे कि मजबूरी बन गई है। अब हालात बेहतर हो गए हैं? नहीं, अभी भी नहीं, अब तो और तो पकड़े गए हैं। जी। पहले डर खौफ नहीं था कि यार मैं पकड़ा जाऊंगा? डर खौफ था, लेकिन जब सर देखते थे तब नहीं बर्दाश्त होता। कितनी मोटरसाइकिल चोरी की? काफ़ी की हैं सर। कहाँ से करते थे? गली मोहल्ले से? जी, गली मोहल्ले से, कहीं से भी। रैकी करते थे पहले? किस तरह चोरी करते? नहीं, बस जाते जाते जो जहाँ कोई मौका अच्छा लगा वहाँ पे चोरी कर ली। फिर कितने की? आगे एक बाइक के हिसाब से है सर। अगर 70 कितने की? 35 हज़ार की। 30-35। पक्के दुकानदार थे? नहीं, दुकानदार नहीं थे सर, वो गांव के जो लोग होते हैं ना, जैसे कि ये दूध वाले यार वगैरह, इन तक पहुँचाते थे, लेकिन हम आगे इनको देते थे, ये आगे भेजते थे। किसको देते थे? ये जो साथ खड़े हैं। आपको मोटरसाइकिल ये देता था? जी सर। अच्छा आपके किस तरह लिंक्स बने थे गांव वालों के साथ? सर इसी के साथ लिंक था, और किसी के साथ नहीं था हमारा। हमने 2-4 मोटरसाइकिलें ली हैं इनसे बस। अच्छा जी। कितने कितने की ली? इन्होंने उधर ही पहुँचाई है, 35 हज़ार 30 हज़ार में। अब कोई शर्म कोई डर खौफ है कि माफ़ी मांगना चाहेंगे? अफसोस है सर, हमारे तो छोटे छोटे बच्चे, गलती हो गई हमसे, हमने ले ली। पहले बच्चों का ख्याल नहीं था बस सर,
इनके लड़के को पकड़े हुए थे, ये मिनते कर रहे थे, इसलिए हमने इसे। अभी और कितने अफराद मुलव्वस हैं आपके जो पकड़े जाने हैं, कि ये पूरा गैंग ही है? नहीं नहीं सर, हम गैंग का कोई हिस्सा नहीं है सर, हमसे तो गलती हुई है, हमने मोटरसाइकिल इनसे दो मोटरसाइकिलें ली हैं बस। ये नाजरी मोटरसाइकिल गैंग था, ये वो माशरे के नासूर हैं जो चलते फिरते अफराद को लूट लेते थे। यहाँ कोई घर के अंदर मोटरसाइकिल खड़ी कर करके बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करके अंदर जाता तो बाहर आता तो उसकी मोटरसाइकिल नहीं होती थी, मोटरसाइकिल को ये चोरी करते थे। उसके बाद शेखपुरा या मुख्तलिफ गाँव में ये जाते थे और 15-20 हज़ार रुपये की ये मोटरसाइकिल सेल कर देते थे।